हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक बी ए बी एस सी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम ऑर्डिनरी डिफेंस लिक्वेशन सेलेक्टेड सोर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन पी वाई क्या जी हाँ हम बात कर रहे थे लेक्चर सीरीज ऑर्डिनरी डिफेंस लिक्वेशन के अंदर तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हमारे पास क्या कहता है डिफाइन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ठीक है जी और जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर थ्री से रिलेटेड होंगे ठीक है जी तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी हमारे पास क्या होती है उसको डिफाइन करना है तो एक कर्व इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इफ इट कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन कर्व ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल्स ठीक है जी तो ये हमारे पास क्या है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डेफिनेशन है ये क्या कहती है हमारे पास एक कर्व है उसको हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहना चाहते हैं कब कहेंगे उसको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इफ इट कट्स एवरी मेंबर्स ये क्या करता हो एवरी मेंबर को कट करता हो और फिर गिवन फैमिली ऑफ को कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे राइट राइट एंगल पे ठीक है जी इसके बाद बात करते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री एंड ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के अंदर जो करो कट करता है वो 90 डिग्री पे कट करता है ऑफ करोस उसको बट जो ओब्लिक होता है उसके अंदर जरूरी नहीं हो नाइनटी पे ही कट करे ठीक है वो इसके अलावा भी कट करता है ठीक है तो वही हमारे पास है ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री एक करो इज कॉल्ड ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री इफ इट कट्स एवरी मेंबर ऑफ फे ए गिवन फैमिली करो एट सर्टेन एंगल अदर देन राइट एंगल ठीक है जी राइट एंगल के अलावा जो एंगल बच गए उन सर्टेन एंगल पे क्या करता है जी कट करता है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है और ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री हमें क्या करना है डिफ्रेंशियट करना है तो मैंने यहां की डेफिनेशन लिख दी है और ये ऑर्थोगोनल की आप लिख देना ठीक है जी ऑर्थोगोनल पे आप इसकी डेफिनेशन लिख देना जो मैंने ऊपर लिखी हुई है ठीक है इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो ट्वेंटी हमारे पास है गिव द मेथड टू फाइंड ऑर्थोगोनल ऑर्थोगी इन कार्टेजिन कोऑर्डिनेट्स कार्डि कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें मेथड बताना है कि किस मेथड की हेल्प से हम ऑर्थोगोनल ऑर्थोलट्राइजेक्ट्रीज फाइंड कर सकते हैं ठीक है जी तो स्टेप नंबर वन लेट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ गिवन करो बी एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू जीरो ठीक है जी ये हमारे पास क्या है एक इक्वेशन ले ली अपने ठीक है जी फैमिली ऑफ द गिवन करोज तो अब क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे जो डिफ्रेंशिएशन करके हमारे पास इक्वेशन आएगी वो और जो इक्वेशन नंबर ये है ठीक है जी इससे हमारे पास क्या करेंगे जो आर्बिटरी कॉन्सटेंट है उसको हम एलिमिनेट करेंगे ठीक है जी जो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे ठीक है उसको एलिमिनेट करने के बाद स्टेप टू के अंदर हम क्या करेंगे फिर जो हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन बनी है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इक्वेशन बनेगी उसमें डीवाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस डीएक्स अपॉन डीवाई से ठीक है जी माइनस डी एक्स अपॉन डिवाइस रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास वहां से क्या जाएगी? आ जाएगी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आ जाएगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी तो उसका हमें क्या करना है फिर सोल्यूशन फाइंड करना है सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वही यहाँ पे लिखा हुआ देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन एलिमिनेट द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट बिटवीन दिस ड्राइव इक्वेशन एंड द गिवन इक्वेशन वन द रिजल्टिंग इक्वेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द क्यून फैमिली ठीक है जी स्टेप टू के अंदर रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इन द इक्वेशन ऑफ इन स्टेप वन एंड द रिजल्टिंग इक्वेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल दर्थोगल देन दैन स्टेप थ्री के अंदर इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑफ इन स्टेप टू एंड द रिजल्टिंग इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गिवन फैमिलीज तो ये हमारे पास क्या है कुछ स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम ऑर्थोगोनल को फाइंड कर सकते हैं ठीक है जी? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 26, तो 26 नंबर हमें हमारे पास है, तो यहां से क्या फाइंड करना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है, ठीक है जी द गिवन फैमिली ऑफ करो इज मेरे पास है जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इक्वेशन वन ठीक है अब इसके बाद हमें करना है क्या है स्टेप नंबर वन के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट तो यहां से मेरे पास आएगा टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यहां से मैं क्या करता हूँ डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं ठीक है जी तो टू यहां पे दिख रहा है टू यहां पे दिख रहा है टू ले कैंसिल आउट कर दो ठीक है जी तो बचेगा एक्स प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यहां से वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आएगा माइनस के एक्स हाँ जी ये मेरे पास हो गया राइट इसके बाद हमें करना क्या है इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर टू अब बात करते हैं यहाँ पर जो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है उसको एलिमिनेट करने की ठीक है जी आर्बिटरी की बात करते हैं लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है इसके अंदर नहीं आया हुआ, ठीक है? तो अब हमारे डीवाई बाई डी एक्स बाई माइनस के dx ओवर dy, तो डीवाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस डीएक्स ओवर dy से तो मेरे पास क्या बन जाएगा देर फोर इक्वेशन टू बिकम्स वाई डी बाई dx के प्लेस पे माइनस के डीएक्स अपन डीवाई पुट करना है तो माइनस के डीएक्स अपॉन डीवाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास dx डी वाई एक्स तो ये बचेगा तो मैं इसको क्या करता हूं सेपरेट कर लेता हूं ठीक है जी वेरिएबल सेपरेट फॉर्म से तो मेरे पास बनेगा ये dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू डीवाई अपॉन वाई ठीक है जी dx अपॉन एक्स और dy अपॉन वाई और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डीवाई अपॉन वाई इज इक्वल टू तो डी एक्स अपॉन एक्स हाँ जी इतना काम हो गया अब करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन करेंगे डीवाई अपॉन वाई का तो मेरे पास आएगा लोग वाई यहाँ से आएगा लोग एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट आएगा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट तो वो ले लेता हूँ लोग सी केवल ठीक है जी तो लोग वाई इज इक्वल टू तो लोग एक्स प्लस के लोग सी यह मेरे पास बन जाएगा लोग सी एक्स ठीक है जी लोग लेंगे बोथ साइड तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स हमें यही कार्ड निकालना था और यहां पे हमारे जो चैप्टर नंबर थ्री है वो कंप्लीट होता है जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर बात करेंगे हम चैप्टर नंबर फोर के क्वेश्चन के तो मिलते जल्दी फिर तब तक वीडियो को एंजॉय करो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो बाय बाय टेक केयर सी यू थैंक यू फॉर वॉचिंग